अज गुंडा तत्व खुले आम घूम रहे हैं। जिथे पहले आतंकवाद होंदा सी, आतंकवादी की डेफिनेशन बदल गई। देखो सुधीर कुमार सूरी जी इन धमकिया से उन्होंने परिवार को अज बेशुमार धमकिया आ रही। शिवसेना टकसाली की एक मीटिंग दीनानगर में भारतीय मंदिर में हुई, जिसमें शिवसेना टकसाली के राष्ट्रीय प्रधान ब्रजमोहन सूरी और राष्ट्रीय चेयरमैन मानिक सूरी, राष्ट्रीय चेयरमैन यूथ हरदीप शर्मा और पंजाब प्रधान कौशल शर्मा, पंजाब उप प्रधान राजीव बब्बर और राष्ट्रीय उप प्रधान सोनू समाना पंप वाले अंकित अरोड़ा, राहुल शर्मा विशेष तौर पर शामिल हुए। इस मीटिंग को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय प्रधान ब्रजमोहन सूरी ने कहा कि दीनानगर के हिंदू नेता अजय कुमार को शिवसेना साली का पंजा प्रवक्ता नियुक्त किया गया। अजय कुमार ने इस मीटिंग को संबोधित करते हुए कहा कि शिवसेना टकसाली जल्दी दीनानगर में युवाओं को अपने साथ जोड़कर और शिवसेना टकसाली की नीतियों को घर घर पहुंचाएंगे। हाँ सर, दस दियो जी, अज जो नियुक्तियां पाई गई ने और एक शिवसेना टकसाली की जी अज यूनिटी इतनी खड़ी की गई है, की कहना चाहते हो और किदा का जोड़ा लग रहा जी दीनानगर के आगे? दीनानगर च अज शिवसेना टकसाली का यूनिट खड़ा किया गया, अजय जिन्हों पंजाब यूनिट के प्रवक्ता की पोस्ट पर असी लगाया, उन्होंने ड्यूटी लगाई गई है ताकि टकसाली दियां जिहड़ियां नीतियां ने, टकसाली दे जो काम ने, वो ज़्यादा तो ज़्यादा प्रेस तक पब्लिक तक लिया सकन। इस दे नाल नाल टकसाली ग्रुप की भी नियुक्ति इत्थे की गई है। अज मेरे नाल चेयरमैन साहब ने, यूथ दे चेयरमैन ने, प्रधान साहब ने, यूथ दे प्रधान भी ने, पंजाब दे प्रधान भी ने। मैं चाहवांगा कि अच्छे तरीके दे नाल दीनानगर दे विच शिवसेना टकसाली अपना काम करे। शिवसेना टकसाली नूं किसे तरह की जरूरत महसूस हुंदी है, साडा यूनिट जिहड़ा वो जरूरतां पूरियां करन वास्ते तैयार बैठा है। अपने धर्म का प्रचार करना, लोकां दी सेवा करना, जन मानस की रक्षा करना, ताकि जे कोई मुसीबत दे विच है तो उन्हें यह ना लगे कि उसकी बांह फड़न वाला कोई नहीं। सर पंजाब, मैं सुनेहा यह देना चाहता जी कि मेरे फादर साहब न जिस तरह इन्होंने लोगों ने मर्डर किया, जिस तरह इन्होंने मर्डर किया वो सब गलत है। जो तरीका इन्होंने बता रहा सब कुछ गलत है, जो होना सी इन्होंने किया। बट हूँ मैं सबनों यह कहना चाहवाँगा, हिंदू एकता सिख एकता सब बरकरार रखी जाए। तो भाई साहब जिहड़े लोग इन्हां खिलाफ जाते हैं तो उन्होंने तो स्ट्रिक्ट एक्शन लिता जाए। जिहड़ा संदीप ने मर्डर किया उसके स्ट्रिक्ट तो स्ट्रिक्ट एक्शन लिता जाए, ना कि है कि पुलिस प्रशासन ऐ कहे तो हेट क्राइम है। लगता है कि यह सिर्फ संदीप का काम है कि एजेंसियां हो सकती हैं विच एजेंसियां इनवॉल्व है, क्लीयरली इनवॉल्व है, तो अमृतपाल का इनवॉल्वमेंट साफ साफ है जो कि सरकार शो नहीं कर रही। असं हूँ हाईकोर्ट के थ्रू उन्होंने करवाएंगे। भाई जी मानिक साहब, एक 90+ सीटों के नाल जिहड़ा आम आदमी पार्टी नूं फतवा दिता सी पंजाब दे लोकां ने कि आम आदमी बंदे दी सरकार है, लेकिन अज एक रिक्शे वाला कह लीए जां एक बड़ा बिजनेसमैन कह लीए वो भी सेफ नहीं है पंजाब दे विच, लॉ एंड ऑर्डर दी गल कहना चाहुंदे हो? जिहड़ी 90 सीटां नाल फतवा दिता सी वो गलती सी, वो बहुत वड्डी गलती सी। वो सिर्फ एक दुख सी कि असी कांग्रेस नूं नहीं वोट देनी, असी बीजेपी नूं वोट नहीं देनी, असी अकालियां नूं देनी, ते एक रोश दे विच इन्हां लोकां नूं वोट दे दित्ती गई। ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਭੁਗਤ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਮੈਂ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਜਰਾਤ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੰਘੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਖਾਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਹ ਲੋਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ, ਇਹ ਲੋਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਰਚਾ ਸਾਰਾ ਉੱਧਰ ਖੱਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਇਹ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਸੇਫ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ।
माने जी जो सुधीर कुमार सूली जी का कतल जिहड़ा कीता जांदा तो उस तो बाद कोई नुमाइंदा पंजाब सरकार का नुमाइंदा जां कोई उत्थों लोकल बॉडी का MLA कोई किसी ने पहुँच की तुहाडे तक? नहीं, साढ़े को सारे DGP साहब भी आए थे, ADGP साहब भी आए थे, IG साहब भी आए थे, सारे साढ़े को आए ने, बट वो हाले तक यह ही है, बस सिट की इनकुआरी चल रही है तो सानू कोई इनफॉर्मेशन नहीं है। असी भी 70 दिनों तक की वेट कर रहे हैं, जो कि 70 दिनों तक इन्होंने सानू कहा गया जे नहीं कुछ करेंगे तो फिर असी अपना आप वेखांगे किस तरह की करना, अगर रणनीति असी उस तो बाद बनावांगे। पहला तो मैं अपनी सारी जिनी मेरी पंजाब वड्डी है उन्होंने मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता कि जिन्होंने मैं इन्नी वड्डी जिम्मेवारी दी है। बाकी जिहड़ा अही जिहड़ी शिवसेना पंजाब आ वो 80% समाज सेवा करती है तो 20% राजनीति करती है। असी इसे विचारधारा लैके अगे तुरंगे। बाकी साढ़े शहीद सुधीर कुमार सूरी की जो सोच सी उही सोच लैके असी अपने जिन्ना भी साढ़े दिना हलका उस तहत काम करांगे। मैं दीनानगर आउन ते अपनी सारी अपने राष्ट्रीय प्रधान ब्रिजमोहन सूरी जी, राष्ट्रीय चेयरमैन मानिक सूरी जी, राष्ट्रीय साढ़े चेयरमैन यूथ करण शर्मा जी, साढ़े पंजाब प्रधान कौशल शर्मा जी ते उन्हां दे नाल आए होर भी सीनियर अधिकारी उन्हां दा मैं बहुत बहुत स्वागत करना। अज तो 6 to 7 साल पहले सूरी साहब इत्थे दीनानगर आए सी उदों शिवसेना पंजाब सूची चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। उस टाइम भी जिहड़ा काफ़ी नौजवान जिहड़े आ उन्होंने शिवसेना नूं ज्वाइन किया सी तां अज भी अज उन्हां दा परिवार पहुंचे, उन्हां दा बेटे पहुंचे आ और पूरा परिवार उन्हां दा पहुंचे शिवसेना टकसाली पहुंची और अज भी काफ़ी हयूम दे विच नौजवान जिहड़े आ उह इकट्ठे होए आ। किदां देखदे हो उन्हां दी शहादत नूं, की कहना चाहुंदे हो जो उन्होंने जो शहीदां दा दर्जा जिहड़ा उन्हां नूं मिलिया नौजवानों के सुनेहा छड़ गया? बिल्कुल, देखो सुधीर कुमार सूरी की जी सोच ही अपने हिंदुता वाली ही अपने समाज लिए समाज की सोच ना लैके तुरते रहे। असी जो सा यूथ है वह भी सुधीर कुमार सूरी की शहादत को प्रणाम करता उही शहादत के सदका ही अच्छ जी शिवसेना टकसाली ज्वाइन की है। देखो कि उन्होंने अपने समाज लिए अपने सनातन धर्म के लिए अपना बलिदान दिता, फिर हूँ उन्होंने परिवार भी उन्होंने राह चलता आ रहा। इसी चीज़ों देख के असं अच्छ शिवसेना टकसाली ज्वाइन की है। सर कितने लोग जिहड़े ने जां कितने नौजवान ने जिहड़े अज्ज ज्वाइन होए? तकरीबन जिन्नी भी साड़ी पूरी यूनिट सी अज्ज जिन्नी भी साड़ी पूरी अज्ज शिवसेना टकसाली ज्वाइन की। बाकी असं आने वाले समय से होर भी नियुक्तियां करांगे, असं प्रधान जी बुला के प्रोग्राम चलते रहेंगे। जय श्री राम। एक बार फिर मैं सारा बहुत बहुत धन्यवाद करना।